नमस्कार मध्याह्न खबर को स्वागत करछि मुचिनमई। प्रथमे हेडलाइंस खसुची कोरोना ग्राफ राज्य में 24 घंटा रे 6097 पॉजिटिव चिन्हट क्वारंटीन रु 3446 लोकल केस 2651 खोर्धार सर्वाधिक 1017 आक्रांत पुणी 44 मुंड नेछि महामारी। छोट पिलांकु रेमडेसिविर मना आइवरमेक्टिन ओ स्टेरॉयड थेरापी उपरे भी कटकणा स्वास्थ्य मंत्रालय जारी कला नुआ गाइडलाइन। सावित्री व्रत पाई राजधानी रे पुलिस रो स्पेशल ड्राइव 1 नंबर मार्केट रे कमिश्नरेट पुलिस रो कड़ाकड़ी जांच लोकों को बुझाइबा सह अमान्यों को थारु फाइन काटुछि पुलिस। आजठू राज्यव्यापी बर्षिब बड़ वर्षा ने सतर्क कराइले एसआरसी सरांचल और तलिया अंचल रे पानी जमीबा आशंका बन्या कथा बुझुथिबा सबु ऑफिस खोलिबे 24 घंटिया कंट्रोल रूम। समय पूर्वर मुंबई छुईला मौसुमी प्रथम वर्षा रे बेहाल मायानगरी रेल सेवा ठप यातायात बाधाप्राप्त तीन दिन पाई जारी है हाई अलर्ट लगाण वर्षा रे चारि महला कोठा भुसुड़ी 11 मृत। आज सावित्री अमावास्या कटकण सत्वे मंदिर आगरे लंबा लाइन स्वामींकर उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयुष कामना करी व्रत रखिछंती महिला महामारी कालरे घरे रही पूजा अर्चना पाई परामर्श। खबर आरंभ करिबा एक बड़ खबर रु छोट पिलांकु रेमडेसिविर मना आइवरमेक्टिन और स्टेरॉयड थेरापी उपरे भी कटकणा स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करिछि नुआ गाइडलाइन। तबे जदि छोट पिलांकु ऑक्सीजन लेवल 90 तळकु आसुछि तांकु हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाय पारिबो। कोरोना रो तृतीय लहर रे छोट पिलांक संक्रमण को नै चिंता जाहिर करथिले विशेषज्ञ। तबे छोट पिलांक पई वर्तमान रेमडेसिविर को मना करा जाय छि आ सहित आइवरमेक्टिन एवं स्टेरॉयड थेरापी उपरे मध्य कटकणा लगा जाय छि। स्वास्थ्य मंत्रालय एही नुआ गाइडलाइन जारी करिछि जदि छोट पिलांक ऑक्सीजन लेवल 90 तळकु आसुछि ताले सेमानंकु हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाय परिबो। कोरोना रो तृतीय लहर रे छोट पिलांक संक्रमण को नै चिंता जाहिर करथिले विशेषज्ञ। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ छोट पिलांक पई नुआ गाइडलाइन जारी करा जाय छि। छोट पिलांक वर्तमान रेमडेसिविर मेडिसिन मना होई छि ए सहित आइवरमेक्टिन और स्टेरॉयड थेरापी उपरे मध्य कटकणा लगाई छि स्वास्थ्य मंत्रालय। तबे नुआ गाइडलाइन रे रही छि जे जदि छोट पिलांक ऑक्सीजन लेवल 90 तळकु खसुछि तांकु हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाय परिबो। तबे कोरोना रो तृतीय लहर रे छोट पिलांक संक्रमण को नै चिंता जाहिर करथिले विशेषज्ञ। वर्तमान छोट पिलांक पई नुआ गाइडलाइन आसुछि जे रेमडेसिविर छोट पिलांको मना अछि एवं यहा सहित आइवरमेक्टिन और स्टेरॉयड थेरापी उपरे मध्य कटकणा लागू करा जाय छि। स्वास्थ्य मंत्रालय वर्तमान एही नुआ गाइडलाइन जारी करूछि जदि छोट पिलांको ऑक्सीजन लेवल 90 तळकु खसुछि तांकु हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाय परिबो। तृतीय लहर को नहीं वर्तमान छोट पिलांक संक्रमण को नहीं चिंता बढ़ुता बेले एभली एक स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ नुआ गाइडलाइन जारी करा जाय छि। जे गाइडलाइन रे स्पष्ट भाव में कहा जदि छोट पिलांक ऑक्सीजन लेवल 90 तळकु खसुछि ताहाले सेमानकु हॉस्पिटल रे एडमिट करा जाय परिबो। तबे संपर्कित अधिक आलोचना पई वर्तमान आम सहित स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रामचंदानी जोड़ी होती। डॉक्टर आपको आलोचना को स्वागत जनइबी। प्रथम आपंठ जानवाई चाहबू जो वर्तमान जितेबाला पिला नुआ नुआ आशंका आसुच्छे नुआ नुआ तथ्य सामना को आसुच्छे अभिभावक माने वर्तमान एक प्रकार आशंकर रही या भितर स्वास्थ्य मंत्रालय नुआ गाइडलाइन जारी करुच्छे जे पिला वर्तमान रेमडेसिविर मना करदी कौन सी पिला संक्रमित होती से इनस्टैंट कौन कर देखु पीडियाट्रिक क्षेत्र में जो प्रथम आक्रमण तृतीय पीडियाट्रिक पेसेंट मैंने देखा गले जेहतु बर्तमान जो नेशनल गाइडलाइन टा बाहर की हेल्थ मिनिस्टर छोट छुआ मानक रेमडेसिविर टा देवा कथा कारण रेमडेसिविर हार्ट डिजीज मान जो मान लिवर सम्बन्धी प्रोब्लेम अच्छी किडनी सम्बन्धी प्रोब्लेम अच्छी किंबा छोट छुआ
प्रेगनेंट लेडी मानक क्षेत्र में इंडिकेशन रहे कंट्राइंडिकेटेड रिलेटिवली कंट्राइंडिकेटेड तो से दृष्टि रूप जमको दिया जीवा कथा नहे द्वितीय जिनिस हमला जो गाइडलाइन कुछ 90 सैचुरेशन तरफ पहुंचले जाई माने हमें सीरियस स्टार्ट केला माइल्ड केस से सीरियस रो कोनसी आवश्यकता नहीं जेंती आगुरु हमें आगुरु बते कह जाई छी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट माने जो माने थिए किबा जो माने को 7 दिन होउथिबो जो माने को सिम्पटम कम थिबो बा एसिम्प्टोमेटिक थिबे से क्षेत्र सीरियस रो रोल नहीं सीरियस केवल मॉडरेट टू सीवियर केस से दिया जीवो आ जेहेतु छोट छुआ मान हाइपोक्सिया को टॉलरेट करवा केपेबिलिटी बेसी सैचुरेशन लेवल टिके छुआ मान अपेक्षा बेसी ऑक्सीजन रिजर्व बेसी लंग कंप्लायंस बेटर देन द एडल्ट तो से रिलेटिवली लो लेवल ऑक्सीजन 90 तलक फसिले ही मानने सब स्टीरॉइड देवार आवश्यकता रही कि अन्न्य मेडिसिन व्यस्त देवार आवश्यकता रही जेहेतु से बेटर मानने अन्य व्यस्त मानने इन कंपेरिजन टू अन्य लोक जो मैंने रिलेटिवली ओल्डर एज लोक अच्छा बेसी मात्र ऑक्सीजन को टॉलरेट कर पाती हाइपोक्सिया को टॉलरेट कर पाती आई क्षेत्र में 90 मानने धार्य कर अज्ञा तेज डॉक्टर जो कथा जदि देखा जाए जदि कौन सी पिला मानने प्राइमरी स्टेज अच्छा पा संक्रमण खूब कम परसेंटेज कम अच्छी तालोले से क्षेत्र में कौन कर कारण बर्तमान तो रेमडेसिविर मेडिसिन जो माने भी दवापाई चिंता करेंगे से दि जा पार नहीं आपड़ जो हिसाब से कहते जितेबाला आपंकर ऑक्सीजन लेवल अधिक तौक खसुच्छी किंवा अधिक से भाई किसी क्रिटिकाल सिचुएसन आसूँगी स्टेरॉइड थेरापी दिजा पूर्व नुहे प्राइमरी स्टेज रे कौन कर देखो माइल्ड केस रे अन्यन वायरल फीवर वाला कोविड 19 वाला अन्य वायरस ला को जो अछि से माने मध्ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करु छथि तो किछु अन्य मन को अन्य वायरस क्षेत्र जहां एही वायरस क्षेत्र में तहा केवल हम को सिम्पटोमेटिक मैनेजमेंट करे आछि जर हले पैरासिटामोल देबार आछि आज्ञा यदि नाक रु पानी बाहर छि किबा किछि यदि एलर्जी को सिम्पटम छि तले हम सेट्रिजिन देबा माने सिम्पटोमेटिक मैनेजमेंट आ कोनसी माइल्ड केस रे किछि देबार आवश्यकता नहि हम यदि हमे सही क्षेत्र यदि स्टीरॉइड यूज करछि बा रंडेसी रो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपंकर तमाम सूचना सहित जोड़ी होते स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रामचंदानी जोड़ी होते हैं जहाँ ताजा अपडेट दौले जदि पिला माइल्ड स्टेज रही आपको मेडिसिन क्या कहे पारासीटामल इत्यादि देपारे कितु जदि ऑक्सीजन लेवल 90 तौक खसुच्छे हॉस्पिटल भर्ती करा स्वास्थ्य मंत्रालय वर्तमान नुआ गाइडलाइन जारी करी छी या सहित रेमडेसिविर पूरा पूरा पूरी मना करा जाई छी एवं स्टेरॉइड थेरापी को मध्य मना हो छी आसे परवर्त खबर को राज्य में मौसुमी वर्षे बन्या आशंका को दृष्टि रखी जलसंपद विभाग गुरुत्वपूर्ण बैठक जलसंपद विभाग सचिव अनु गर्ग अध्यक्षतार बसी बैठक बन्या मुकाबला बैठक में चली आलोचना जलसंपद विभाग बहु वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित अच्छा तेज वर्चुआल चली बैठक तेज संपर्कित अधिक सूचना आम सहित सदाशुल्क जोड़ी होती आम प्रतिनिधि दिव्य जोड़ी होती दिव्य वर्तमान जो बैठक बसी बैठक में वास्तविक कौन आलोचना है देखो चिन्मय निश्चित भाव में दुई दिन भितर मौसुमी ओडिशा छुईब मौसुमी ओडिशा छुईया पर प्रबल वर्षा होवार संभावना रही जहाँ को दृष्टि रखी बन्या आशंका करा गत काली स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर समस्त जिलापाल मानकु चिट्ठी लिखी सतर्क कराई बन्या मुकाबला केमिति करा जीवो केमिति समस्ते सजाग रहिबे केमिति लोक माने समुद्र भितर न जिबे सेतपई पूरा सजाग रहिबापई जिला प्रशासन कुहाइछि जहाँ दृष्टि रखी आज जलसंपद विभाग पक्ष गोटे गुरुत्वपूर्ण बैठक डकाई जलसंपद विभाग सचिव अनु गर्ग निजे बैठक अध्यक्षता करछन्ति एवं बहु वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित रहिछन्ति पाखापाखि दुई घंटा धरी बैठक चली आउ किसम पर बैठक शेष हेब सबुठ बड़ कथा होची जेहेतु बात्या को आम वर्तमान सामना करिचे किसी जगार बन्या सृष्टि होता बन्या फसल सृष्टि होता नदी बंध मध्य किसी दुर्बल अच्छी किभली मुकाबला करवा कि पुणी नदी बंध को सजाड़ी आम जो बन्या परिस्थिति रोकी पारिबा से दिगरे आलोचना होता सहित आउ गोटे कथा देखिए जे विशेषकर जलसंपद विभाग गोटे टोल फ्री नंबर जारी करमती बात्या समय तीनोटी विभाग समन्वय पूर्त विभाग ग्राम्य उन्नयन विभाग और जलसंपद विभाग समन्वय गोटे टोल फ्री नंबर जारी कराइला बर्तमान से टोल फ्री नंबर को जारी करा जीवो बन्या समय जदि बन्या हला बन्या समय आपण मैंने कौन करेंगे क्योंठ घाई हो कौन हो संपर्क जदि कार किसी अभियोग अच्छी निर्दिष्ट टोल फ्री नंबर में लोक मैंने जनईपरेंगे एभली किसी पदक्षेप नाक वर्तमान जे रही प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट अनुगर्ग से निर्देश देखते सूचना मिलू ते बैठक शेष होगापर ही जमापड़ जो प्रकृत में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनुगर्ग कौन निर्देश देते वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट किभली बन्या मुकाबला कम कर चिन्मयी
निश्चित भाव में दिव्य बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर तमाम सूचना पाई आम सहित तो आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती जोड़ी होते हैं। राज्य में जेहेतु मौसुमी आउ दुई दिन भितर ओडिशा छुंची एने कौन प्रस्तुति कर बैठक पर ही स्पष्ट हो गुरुत्वपूर्ण खबर रही कि वर्तमान समय हो मध्यान खबर एक ब्रेक र ब्रेक परे स्वागत। राज्य में 24 घंटा रे 6097 पॉजिटिव चिन्हट होती क्वारंटीन 3446 पॉजिटिव चिन्हट होता बेले लोकाल केस 2651 रही तेज पुणि थे करोनार सर्वाधिक 1017 पॉजिटिव चिन्हट होती कटकु 647 पॉजिटिव चिन्हट होता बेले जाजपुर 434 पॉजिटिव चिन्हट होती बालेश्वर 392 मयूरभंज 297 पॉजिटिव अनुगुल 295 भद्रक 246 पॉजिटिव चिन्हट होती आज पुणि 44 मुंड निछि महामारी। सावित्री व्रत पर राजधानी में पुलिस स्पेशल ड्राइव बजार को गाड़ी नहीं आसवा हेबो महंगा एक नंबर मार्केट रे कमिशनरेट पुलिस जांच हाट में बुली बुली लोकों बुझाइबा सह अमानियां ठारु फाइन कटा हुछि हाट को गाड़ी नहीं आसीथिबा अमानिया लोकों ठारु फाइन काटुछि पुलिस प्राय 30 जन अमानियां पाखरु फाइन आदाय करा जैथिबा जणा पडिछि। आज हूँ पवित्र सावित्री अमावास्या भारतीय परंपरा अनुसार प्रत्येक सधवा महिला माने व्रत को पालन करते स्वामी उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयुष कामना करी ज्येष्ठ मास अमावास्या व्रत पालन करा आजीवन सधवा रहा नारी माने सावित्री जमदेव और सत्यवान को पूजा करते सावित्री व्रतधारी महिला माने नुआ साड़ी चूड़ी फलमूल पूजा सामग्री धरी मंदिर को पूजा करने को जाते किंतु कोरोना पर चलित बर्ष मंदिर भिड़ को दृष्टि रखी कटकणा लगे सरकार मात्र कटकणा सत्वे पूजापी कि मंदिर आगे लंबा लाइन देखा मिली आज हूँ सावित्री अमावास्या सह चलित बर्षर प्रथम सूर्यपराग गुरुवार दिन शनि जयंती पड़ुछि सूर्यपराग जोगु सूर्य और शनि ग्रहर विशेष जोग सृष्टि होउछि भारत में यह परागर प्रभाव आंशिक भाव पड़ भारतीय समय मध्यान 1:42 रु संध्या 6:41 पर्यंत परागर स्पर्श ठारु सर्वमुख्य पर्यंत रहिब तबे आसंतु जानिबा किपरि रहिब एहि परागर प्रभाव। आज होछि चलित बर्षर प्रथम सूर्यपराग एही दिन सधवांक पर्व सावित्री मध्य ज्योतिष विज्ञान अनुसार सूर्यपरागर शुभ अशुभ प्रभाव समस्त राशि उपरे भिन्न भिन्न होता है। यह बर्षर प्रथम और शेष सूर्यपराग होबाकु जाउछि भारतीय समय मध्यान 1:42 रु संध्या 6:41 पर्यंत परागर स्पर्श ठारु सर्वमुख्य पर्यंत रहिब परवर्ती सूर्यपराग 25 अक्टोबर 2022 मसीह देखा जाव पंजिका अनुजाई सूर्यपराग ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे हेबो तेबे एथर जून 10 रे सावित्री व्रत और शनि जयंती पड़ुवा बेले सही दिन ही सूर्यपराग तेबे धार्मिक विश्वास अनुजाई ग्रहण बेले कौनसी शुभ कार्य करिबा ठीक नुहे एही समय रे पूजा तथा देवनीति ठारु आरंभ करी पाकादी निषेध करा जाय थाए मंदिर मध्य बंद रुहे। यह सूर्यग्रहण उत्तर आमेरिकार उत्तर भाग यूरोप और एशिया महादेश में देखा मिले यह व्यतीत उत्तर कानाडा ग्रीनलैंड और रूस में परागर संपूर्ण दृश्य लोके देखिपारे भारत में सूर्यपराग आंशिक दृश्यमान हो दिन चंद्रमा वृष राशि प्रभाव पक आमेरिका यूरोप एशिया महादेश में किसी अंचल यह दृश्यमान हो भारत केवल जम्मू काश्मीर 10% अंचल आंशिक दिश रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आज वर्षर प्रथम सूर्यपराग चाइना रशिया यूरोप और कानाडे सूर्यपराग दृश्यमान होगाकूल भारत में यह दृश्यमान होना भारत चाइना दे सूर्यपरागर किरण अतिक्रम करने ज्योतिर्विद मत देते तेज भारत राजनीति और अर्थनीति यार कि प्रभाव रुणत कौन कहते ज्योतिर्विद सुचित्रा गुप्त सूर्यपराग को नहीं कौन रही ग्रह मान चलन यार गतिविधि कौन रहिबो देश उपरे यार प्रभाव राज्य उपरे कौन रहिबो यार प्रभाव ए सब जिनसर आलोचना करिबा पई आम सहित अछंती ज्योतिर्विद सुचित्रा गुप्ता सीधा सळख भाव रे तांको सहित आलोचना करिबा
ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ପରାଗରେ କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ୟାକୁ ନେଇକି ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ଏ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ସ୍ଥିତି? ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖନ୍ତୁ, 10 ତାରିଖ 6 ମାସ ମେ ମାସରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଉଛି ତାହା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ, ତାହା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ କୌଣସି ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ନ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ 50-70% ସେଠି ଇଫେକ୍ଟ ହୁଏ। କେଉଁପରି ଇଫେକ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। କେବଳ ଜ୍ୟୋତିଷଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମର 1-to-1 ମଣିଷ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏଇଥରକ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଉଛି ତାହା 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 1962 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି କି ଏଇଥରକ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗଟା ହେଉଛି ତାହା 94% ହେଉଛି, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଭର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି କଙ୍କଣାକୃତି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବା ରିଙ୍ଗ ଫାୟାର ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି ତାହାକୁ। ତାହା ଚାଇନା ଉପରେ ହେଉଛି, ରଷିଆ, ୟୁରୋପ, କାନାଡ଼ା ୟା ଉପରେ ବିଶେଷତ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଇଫେକ୍ଟ ହେବ। କେମିତି ଇଫେକ୍ଟ ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଅଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ଚାଇନା ଏବଂ ଭାରତ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜନବହୁଳ ଦେଶ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଶ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିଲା, ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କି ଆମର ବର୍ଡ଼ରଟା ଏଇଠି ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଚାଇନା ଆଟାକ୍ କରିକି କିଛିଟା ଭାରତର ଖଣ୍ଡକୁ, ଭୂଖଣ୍ଡକୁ କବ୍ଜା କରିଦେଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି 20 ଯବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ଚାଇନା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର, ସେଇଠି ହିଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର କିରଣଟି କ୍ରସ୍ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ହେଇପାରେ ଏଥରକ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଏଥରକ ଚାଇନା ସହିତ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେ ଭୂଖଣ୍ଡ ଆମ ହାତକୁ ଆସିବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ଚଳନର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏଥର ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାରେ କି? ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ କାଳପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ, ମେଷ କାଳପୁରୁଷ ମାନେ ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱର ଆମର ଯେଉଁ ଜାତକ ସେଇଟା ହେଉଛି ମେଷ ଲଗ୍ନ। ତାର ପଞ୍ଚମାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଥରକ କଭର ହୋଇଯିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର। ତେଣୁକରି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ, ଯେମିତି ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ହେଉଛି ବେକ। ତେଣୁକରି ଏଥରକ ବାଣୀ, ବିତ ଏବଂ ତା ସହିତ କୁଟୁମ୍ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ହେଉଛି ବାଣୀ, ବିତ, କୁଟୁମ୍ବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ତିନିଟା ଉପରେ ବିଶେଷ ଫରକ ପଡ଼ିବ। ଆମର କୃଷି ବିଭାଗ ଉପରେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ବହୁତ ହାନି ହୋଇପାରେ, ହୋଇପାରେ କି ଫଳ ପରିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବହୁତ ଦାମ ବଢ଼ିଯିବ, ଅଭାବ ଅନଟନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ, ବନ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଘର ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍, ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେତାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉ ନଉ ଏଥରକ ହୋଇପାରେ କିଛିଟା ଲୁଚିଥିବା ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବା ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି କିଛି ତାଙ୍କର ଗ୍ରହ ଚଳନ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶର ରାଜା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଜାତକର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ତେଣୁକରି ରବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ରବି କଭର ହୋଇଗଲେ, ତେଣୁକରି ସିଏ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯିବେ, ସିଏ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି କିଛିଟା ଏପରି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଯାହାକି ଗଲତି ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ପ୍ରଜାମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେତାମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହୋଇଯିବେ, ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ଟା ନେବେ ସେଇଟା ଭୁଲ ହୋଇଯିବ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ବାଣିଜ୍ୟ ସପ୍ତମାଧିପତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ଆମର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବହୁତ କନସିୟସ୍ ହୋଇଯିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଯିବ, ବାଣିଜ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇକୋନୋମି ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଦେଶ ବିଦେଶର ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବ, କରିବ ନିଜ ନିଜ ଦେଶ, ନିଜ ନିଜ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିବେ ଭାରତର, ତେଣୁକରି ଆମେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଲର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, କେତେବେଳେ ବି କିଛି ହୋଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ଚାଇନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେଇ ପରମାଣୁ କିପରି କିଏ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାରୁଛି କି କେମିତି କେମିକାଲ ଜନିତ ଏହି କରୋନା ରୋଗଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଡ୍ ମେନ୍ କାଲିମେଟିସ୍, ତେଣୁକରି ମ୍ୟାନ୍ମେଡ଼୍ କାଲିମେଟିସ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲିମେଟିସ୍ ବି ଆସିବ, ଯେମିତି ମଣିଷ ତିଆରି ଜିନିଷରେ ହିଁ ମଣିଷ ମଲେ, ସେହିପରି ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବା ସହିତ ମ୍ୟାନ୍ମେଡ଼୍ କାଲିମେଟିସ୍ ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯଦି ମହାମାରୀରେ ସାରା ଦେଶ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜୁଝୁଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ କି? ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଘର ହେଉଛି ଶନି। ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯିଏ ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଘର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ରିଟ୍ରୋଗେଟ୍, ତେଣୁକରି ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆମର ମେଷ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଗଣତି କରିବା, ଚତୁର୍ଥ ଘର ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ରବି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଜଣ ଯାକ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ବିଶେଷ ଫରକ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନ୍ଟା ବଢ଼ିବ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ହେବ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଏମିତି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୃହିଣୀମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସଧବା ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ସାବିତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ପରାଗ ରହିଛି, କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏପରି, ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ କି ଆମର ଅମାବାସ୍ୟା, ସେଇଦିନ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରାଗ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ସାବିତ୍ରୀ ସେଇ ଦିନବେଳେ ତ ଯମଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଯାଇକି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏବଂ ଶହେ ପୁତ୍ରର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ପରାଗ ସହିତ ସାବିତ୍ରୀର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ସେଦିନ ସବୁ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେପରି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯୁଗରେ, ଆମେ କେବଳ ପାଳନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କର ତିଥି। ସେହିପରି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନୁରାଗ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟିଏ କରୁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଫରେନ୍ରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁଠି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ, ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ଇଫେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏହା ଦେଶ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ହେବ। ହଁ, ଏତିକି, ଯେଉଁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହିଣୀମାନେ, ଆମର ସଧବାମାନେ ଉପାସ ରହିକି ତାର ଅଛି କି ଫଳ ଖାଇକି ରହିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ କାମ ସାରିକି ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ବ୍ୟତୀତ ହେଉଥିଲା, ଏଥରକ ସେ ଘରେ ରହି ସେ ପୂଜାଟି କରିବେ, ସେତିକି ହେଉଛି କଥା। ନହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଉପରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମର ପଲିଟିସିଆନ୍ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖି ବୁଝି ସୁଝି କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ, ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଆମ ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନହେଲେ ବି 50-70% ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଚିତ୍ରା ଗୁପ୍ତା, ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଉଠିଛି, କାରଣ ଗ୍ରହ ଚଳନ ଉପରେ ଯଦି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ, ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।